चीन की कुर्सी पर अब भारत की ताजपोशी। एशिया में अब चीन की नहीं हिंदुस्तान की चलेगी। वर्ल्ड लीडर मोदी का कमाल, एशिया का किंग हिंदुस्तान। आत्मनिर्भर भारत दुनिया की जरूरत। विकसित देशों के ग्रुप में इंडिया का वेलकम। अब हिंदुस्तान को देखने का नजरिया दुनिया ने बदल लिया है। अब हिंदुस्तान की बात पूरी दुनिया सुनती है। अब बड़े और ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान को सुपर पावर की कतार में खड़ा मानते हैं। ये सब संभव हुआ है वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। बीते 6 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती भी दुनिया देख चुकी है। 7 शक्तिशाली देशों के ग्रुप में हिंदुस्तान की एंट्री। भारत की बढ़ती ताकत के कारण अब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को विकसित देशों के समूह G7 में शामिल करना चाहते हैं। G7 दुनिया की सबसे बड़ी और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का मंच है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं। इन देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा के मुद्दों पर हर साल बैठक करते हैं। 10 से 12 जून के बीच G7 समूह की वर्चुअल बैठक होने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त पर इस बैठक को सितंबर तक के लिए टाल दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि सितंबर में होने वाली बैठक से पहले G7 ग्रुप में भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा। अभी तक G7 समूह में एशिया से सिर्फ जापान शामिल था, लेकिन जल्द ही इसमें भारत की एंट्री हो जाएगी। ट्रंप ने G7 समूह में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को भी बैठक में आमंत्रित करने का ऐलान किया है। भारतवर्ष का जो है वो मोदी जी के आने के बाद पूरा जो इम्प्रेशन है इंटरनेशनली, ग्लोबली बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और इसके लिए इंडिया एक जो यूनाइटेड नेशंस के लिए बहुत देर का परमानेंट मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहा है, तो उसी के माफक ये G7 के अंदर भी एंट्री इसको मिल सकती है। ट्रंप ने भारत समेत कुछ देशों को G7 में आमंत्रित करने पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि G7 ठीक से दर्शाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये देशों का एक बहुत पुराना समूह है। पूरी दुनिया चीन को कोरोना का गुनाहगार मानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, यहां तक कि वो चीन के खिलाफ जांच भी करवा रहे हैं। कोरोना पर चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति का हिस्सा है G7 देशों का समूह। इसके लिए ट्रंप को हिंदुस्तान की सख्त जरूरत है। ट्रंप जानते हैं कि मोदी की कूटनीति के दम से ही एशिया में चीन को घेरा जा सकता है। चाइना जो है अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको साइडलाइन किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रभाव के अंदर और ग्लोबली ऑल्सो जर्मनी, जापान सब इंडिया को फेवर करना शुरू कर दिया, और ये कंट्रीज जो हैं आफ्टर कोरोना वायरस का जो केसेस जैसे ग्लोबली कनाडा में हुआ है उससे विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना से फैक्ट्रीज अबाउट 1000 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज दे वांट टू जो वो उधर से चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और इंडिया इस ऑल्टरनेटिव का बहुत बेनिफिट ले सकता है। अमेरिका हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को अच्छी तरह से समझ चुका है, इसीलिए अमेरिका ने भारत को ऐसे हथियार दिए हैं जो वो जल्दी किसी दूसरे देश को नहीं देता। बीते 3 से 4 साल में अमेरिका ने भारत के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास को बढ़ावा दिया है। अमेरिका हो या इसराइल, दुनिया ने माना कि सुपर पावर भारत का है जमाना।